रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते एक KFC है यहाँ पे, तो हमने सोचा है देखो हमारे पास रूबल तो हो गई खत्म, कल आप लोगों को पता है हमारी ट्रेन छूट गई थी, हम लोगों ने दूसरी ट्रेन का टिकट बुक किया ना, उसमें सारे पैसे खर्च हो गए हमारे। पहले तो इधर भागते रहे, हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि ट्रेन इतना जल्दी कैसे जा सकता है। स्टेशन मास्टर से पूछा, उसने समझाया कि भाई तुम्हारी ट्रेन निकल गई है, और हमारे उमा भैया है उन्होंने भी अपना ड्रोन छोड़ दिया, अपना माइक छोड़ दिया। कितने का? 1.5 लाख का सामान होगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख, इसका 2 लाख का सामान। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। आज तो काफ़ी बड़ी चोट हो गई हमारे साथ। ये जो शख्स बैठा है हमारे बगल में, एक तो पता है इसकी क्या आदत है ना, इसको रुस्की के 2-4 वर्ड क्या आ गए, हर कोई इसको कुछ समझाने की कोशिश करेगा ना तो क्या बोलेगा, समझ गया, चलो चलो चलो। अभी हम लोग हैं क्रासनोयार्स्क रेलवे स्टेशन पे, पिछला वीडियो जहाँ पे ख़त्म किया था, मैं ट्रेन के बगल में उठो, पिछला वाला वीडियो आनंद फानंद में ख़त्म किया था कि मेरी ट्रेन बगल में खड़ी है, अभी इसमें बैठूंगा और मैं ओम्स के लिए चल दूंगा। लेकिन मालूम चला कि हमारी ट्रेन तो ऑलरेडी निकल चुकी है। हम लोग बाहर KFC खाना खाने चले गए, KFC में चले गए, बढ़िया खा पी रहे। एक्चुअली दिक्कत क्या थी कि जो निरुंगुरी से ट्रेन जा रहा था ना, उसका नंबर था 374, और वो ट्रेन ओम्स नहीं जा रहा था, जो हमारा डिब्बा था ना उस डिब्बे को यहाँ से किसी दूसरी ट्रेन में जोड़ना था इनको, तो हम लोग को समझ नहीं पाए। हम तो केवल पिछली ट्रेन को ही ट्रैक करते आ रहे थे कि हाँ इसका यहाँ पे 2.5 घंटे का स्टॉपेज है, और 2.5 घंटे में हम लोग बाहर जाके खाना खा के वापस आ जाएंगे। तो हम तो वही सोच के गए, यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे आए तो मालूम चला कि हमारी ट्रेन तो निकल गई है, जो 374 ट्रेन नंबर है वो खड़ा है, लेकिन वो ओम्स्क नहीं जा रहा, वो कहीं और जा रहा है, और उसमें से जो हमारे डिब्बे थे, कुछ एक डिब्बे थे, उनको निकाल के किसी और ट्रेन में जोड़ के और उसको रवाना कर दिया ओम्स्क के लिए। तो ऐसा हमारे साथ चोट हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे पहले तो इधर भागते रहे, हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि ट्रेन इतना जल्दी कैसे जा सकता है। तो फिर यहाँ पे आए, स्टेशन मास्टर से पूछा, उसने समझाया कि भाई तुम्हारी ट्रेन निकल गई है, हमने बोला कि हमारी ट्रेन तो वहाँ पे खड़ी है, और वो बोले कि तुम्हारी ट्रेन निकल गई है, देखो हमारी ट्रेन नंबर 374 है, तो बोले कि 374 तुम्हारी ट्रेन थी, लेकिन अभी ओम्स नहीं जा रही है, कहीं और जा रही है, तुम्हारी ट्रेन के जो डिब्बे थे उसको निकाल के उस ट्रेन में जोड़ के ओम्स भेज दिया। हमारा सारा सामान वहीं पर, इसका तो लैपटॉप भी उसी ट्रेन में है, बढ़िया मौज कर। मैंने क्या किया, जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, वो हमेशा मैं एक बैग में रख के और कहीं भी जाता हूँ ना, तो मैं बाहर लेके निकल जाता हूँ। उसने मेरे को बहुत बोला कि भाई तू लैपटॉप डाल ले बैग में, कुछ भी कर ले, लैपटॉप लेके चल बाहर। मैंने इसको बोला भाई लैपटॉप तो ले ले, पता नहीं इतने लोग जाएंगे आएंगे निकलेंगे, 2.5 घंटे का स्टॉपेज है, कितने लोग उतरेंगे इस ट्रेन से, कितने लोग चढ़ेंगे, तो एटलीस्ट लैपटॉप बैग तो ले ही ले साथ में। और हमारे उमा भैया है, उन्होंने भी अपना ड्रोन छोड़ दिया, अपना माइक छोड़ दिया। कितने का? 1.5 लाख का सामान होगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख, और इसका 2 लाख का सामान। कितने का है लैपटॉप? 1,20,000, 1,20,000 का। और सामान है, और सामान 1.5-2 लाख का, तो 1.5-2 लाख का सामान इसका। मेरे भाई केवल कपड़े हैं उसमें, और कुछ नहीं है, मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना वो मेरा सारा बैग में है। हाँ ये अच्छी बात है कि हमारे तीनों के पासपोर्ट हमारे साथ में थे। मेरा नया कपड़ा भी है भाई, 20,000 का। कपड़े तो जाने दो यार, नया कपड़ा भाई, एक बार भी नहीं पहना। अभी नया ड्रोन लिया है भाई ने, कितने का? 90,000 का ना, चाइना से नया ड्रोन लिया, अभी उड़ाना भी नहीं सीखा। एक बार भी फ्लाई नहीं किया। और माइक है, DJI का ड्रोन है, 1,20,000 का सामान पड़ा उसमें, और कपड़े पड़े हैं 30,000 के, 1.5 लाख का सामान पड़ा है ट्रेन में। तो फिर अभी यहाँ से इन लोगों ने क्या किया है कि एक ट्रेन जा रही है ओम्स होती हुई मॉस्को जाएगी, तो अभी 9 बजे वाली ट्रेन का दूसरा टिकट हम लोगों को दे दिया है इन लोगों ने। तो ये बोले कि जो वो ट्रेन जाके पहुँचेगी ना, ओम्स जाके पहुँचेगी, उससे आधा घंटा पहले तुम्हारी ये वाली ट्रेन ओम्स जाके पहुँच जाएगी, क्योंकि ये मॉस्को जा रही थी, फास्ट जाएगी। एक्चुअली ओम्स से हमारा उसी ट्रेन में दूसरा टिकट था पेत्रो बावल तक का, कजाकिस्तान तक का, तो हमें उसी ट्रेन में ओम्स से सीट चेंज करनी थी बस, और कुछ चेंज नहीं करना था, उन्होंने अलग से बुक किया था। लेकिन इन लोगों ने एक अच्छा काम कर दिया, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर मारिन्स्क एक रेलवे स्टेशन है, बोले कि हम लोग आपका बैगेज वहाँ पे उतार देंगे, हम लोग वहाँ पे इन्फॉर्म कर देंगे रेलवे स्टेशन पे, और आप लोग वहाँ से अपने बैगेज कलेक्ट कर लेना। लेकिन वही है कि किस किस का बैग वो लोग उतारेंगे, पूरा सामान उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, हमारा आधा अधूरा सामान तो है जो सीट पर ही पड़ा था। हमारी दूसरी जो ट्रेन है यहाँ से जाएगी ओम्स के लिए ही जा रही होगी, 9 बजे के लिए दूसरा टिकट इश्यू कर दिया इन लोगों ने,
और उसका कॉस्ट पड़ा यहाँ से ओम्स का 1450 किलोमीटर के लगभग, और उसका कॉस्ट पड़ा है 1500 रूबल पर कैंडिडेट। बाकी देखते हैं मारिन्स में हमें हमारा बैगेज मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन वहाँ से लेंगे कैसे? उस बंदे का कॉन्टेक्ट नंबर लिया है क्या, व्हाट्सएप नंबर? वो डायरेक्ट आएगा हमारा, सीट्स को दे देगा। पक्का? हाँ। अपने को बाहर नहीं जाना। अच्छा, बाकी स्टेशन मास्टर का नंबर तो उन्होंने लिया है। हाँ, बाकी वो स्टेशन मास्टर का नंबर हम लोगों ने ले लिया। जब हम लोग यहाँ पे ट्रेन आके रुकी थी, उससे 10 मिनट पहले वो जो अटेंडेंट थी ना लेडी, उसने बोला, कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी इसको, इस बड़वे को। अरे ये क्या बोलता है? अबे मेरा समझ में आ गया, वो समझाने की मेरा बात। वो इसने बोला, उसने मेरे को बोला कि ये तुम्हारा जो कोच है वो तुम्हारा वो दूसरा ट्रेन में जुड़ेगा। और वो भी क्या समझाने की कोशिश कर रही थी, वो क्या समझाए, वो ट्रांसलेटर के थ्रू हम तक क्या डिलीवर हुआ, वो भी तो टूटा है ना, वो टूटा फूटा इंग्लिश, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं। तो चलो कोई ना, अभी 9 बजे की ट्रेन लेते हैं और फिर देखता हूँ, आगे कहानी बताता हूँ हमें कैसे बैगेज मिलता है। सो गाइज, वापस से हम लोगों ने नई ट्रेन ले ली है और देखते हैं हम हमारा बैगेज ले पाते हैं या नहीं ले पाते, ऐसी सीट्स होती है यहाँ पे। ट्रेन स्टार्ट हो गई हमारी, मारिन्स जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ पे हमारा बैगेज मिलता है या नहीं मिलता। इस ट्रेन स्टेशन का नाम है क्रासनोयार्क, जहाँ से हम लोगों ने हमारी ट्रेन मिस कर दी। देखो ये जो आप लोगों को दिख रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, ऐसा स्नोफॉल तब तक देखा नहीं कहीं रशिया में। आप लोगों ने पिछली वाली ट्रेन का वीडियो देखा होगा तो शायद ये ट्रेन उससे अलग है, ये सीट भी अलग है और उसकी सीट अलग थी, कलर भी अलग है। उसमें नीचे सामान रखने का था, इसमें सामान रखने का कुछ नहीं है, बस केवल सीट है। वो हीटर आ गया, ये वाली मेरी सीट है, इस बार हमें लोअर सीट मिला है। ये देखो यहाँ पे हमारा सारा सामान, यार उन्होंने लौटा तो दिया है, मेरा टोपा, मेरा ग्लव्स, ये सारे सामान थैलियों में जो हमारा बाहर पड़ा था वो सामान लौटा दिया। ऊपर मेरा बैग रख दिया मैंने, ये मेरा टॉवल, टूथब्रश, पेस्ट बोतल सब लौट दिया। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हम लोग पहुंच गए हैं 9:20 के एक सिटी है वहाँ पे, यहाँ पे 2 घंटे का स्टॉप ओवर था और यहाँ से ट्रेन निकल पड़ी अब ओम्स के लिए। जो अब अगला स्टॉपेज होगा वो होगा ओम्स, और ओम्स हम लोग जाके पहुँचेंगे शाम को 5 बजे के लगभग। कल शाम को सामान खरीदा था खाने पीने का, उसको खाते हैं थोड़ा। तन्मय बोलो भाई, उठ भाई खा कुछ। खाएंगे इधर ही खाएंगे, अब बाहर नहीं जाएंगे याद से। अब तो तुम बाहर क्या, अब तो तुम तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी को ये ना बोलोगी कि समझ गया मैं। हो जाए। अरे भगवे, सुबह सुबह इसको चाहिए, कल शाम से ना वोदका पी के पड़ा है। बोतल कहाँ है? चलो हो जाए, इतना ही तो पिए अभी तो बहुत है यार, थोड़ी सी पिए। कल शाम को आप लोगों ने देखा होगा वोदका खरीदी थी हम लोगों ने, तो बस ये बोतल का डिजाइन देख के खरीदा था कि बढ़िया मस्त दिख रही है बोतल, वोदका भी मस्त होगी, लेकिन इतनी ज्यादा अच्छी थी नहीं ये वाली वोदका। आज चौथा दिन हमारा ट्रेन में, आज का दिन और रात, क्योंकि हमें जाना है कजाकिस्तान। 4 दिन और 4 रात कंटिन्यू ट्रेन में जर्नी करना पड़ रहा है हमें, पहली बार इतनी लंबी ट्रेन जर्नी की है मैंने। और सामान हमारा रात को आ ही गया था, रात में तो नींद थी यार। छोटा सा क्लिप दिखाया होगा, ये देखो सारा सामान हमारा आ गया है, ये सबके बैग आ गए हैं। एक एक बोतल तक हमारी जो बाहर पड़ी थी ना, सब थैली में बंद की, कोई बड़ी सारी थैली थी, देखो वो थैली पड़ी, ऐसी बड़ी बड़ी थैलियों में बंद किया, हमारा सामान पैक किया और हमें लौटा के गए। ये रेडी हो गया अपना मेस आलू, मेस पटेटो, बस यही खाना चल रहा है पिछले 4 दिन से। क्या नाम है इस रेलवे स्टेशन का? नाम तो मुझे नहीं पता यार, पूरा रशियन में लिखा है। छोटा सा रेलवे स्टेशन है। 3 दिन हम लोगों ने दूसरी ट्रेन में सफर किया था, 1 दिन और 1 रात का सफर होने वाला है हमारा इसी ट्रेन में। ये कोई छोटा सा रेलवे स्टेशन है, स्नोफॉल हो रहा है, क्या बात है यार। तो मैंने सोचा एक बार बाहर चलते हैं, घूमते हैं, स्नोफॉल हो रहा है हल्का हल्का। यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी शॉप्स होती है, आप लोगों को यदि कुछ खाना पीना परचेज करना हो तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं, काफी सारे लोकल लोग परचेज कर रहे हैं। छोटी सी सिटी है, कोई ज्यादा बड़ी सिटी तो है नहीं यार। फोटोग्राफी भी हो रही है यहाँ पे, देखो ये सामने है बस, ये छोटा सा इधर जाता है, गांव टाइप का मान लो आप लोग इसको। जब हम लोगों ने सामान खरीदा था तो हम लोगों ने कुछ यहाँ पे ओट्स भी परचेज किए थे, तो यहाँ पे बस गर्म पानी में ओट्स भिगा के खा रहा हूँ। सारे दिन ट्रेन में बस खाना पीना सोना।
ओट्स खाने में भी टेस्टी है और हेल्थ के लिए भी ठीक होते हैं। इतना लंबा सफर है तो इतने लंबे सफर में देखो हेल्दी खाना तो कहीं मिलेगा नहीं। आप लोग फ्रूट खरीद सकते हैं फिर ओट्स, और ये बस ये रेडी टू ईट होती है, इनको भिगोना होता है, गर्म पानी में भिगो और खाओ। इतन में देखो इतनी सर्दी में -15-20 डिग्री टेम्परेचर, उसमें कोल्ड ड्रिंक लेके घूम रहा है और बाहर है जो कुछ ऐसा व्यू है भाई। अभी अब ये कोई छोटा सा गांव है या सिटी है पता नहीं, यहाँ पे आके पहुंचे हैं, लेकिन घर देखो यहाँ पे छोटे छोटे कलरफुल है। रशिया में ऐसे कलरफुल घर नहीं देखने को मिलेंगे मैक्सिमम, जो येलो टाइप के होते हैं ना उसी टाइप का पेंट होता है सभी घरों पे। सो गाइस फाइनली हम लोग आके पहुंच गए हैं ओम्स के रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे स्नोफॉल काफी जबरदस्त हो रखा है और सारी की सारी ट्रेन मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे खाली हो गई है। अब बाहर चलते हैं कुछ खाते पीते हैं। यहाँ से अब हमें एक और ट्रेन लेनी है 1 घंटे बाद है, जो ओम्स से पेत्रो बावेल जो कि कजाकिस्तान जाएगी, वो ट्रेन कजाकिस्तान जाके पहुंचेगी रात को 12 बजे के लगभग। तो ये हमारी टोटल जर्नी हो जाएगी 4 दिन 3 साढ़े 3 रात की। स्लीपरी होगा भाई, स्लीपरी आराम से। यह है ओम्स सिटी की पहली झलक। भारी स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, तो बाहर ज्यादा देर घूमना शायद मुझे लगता है खतरे से खाली है नहीं। और ये आ गया, ये देख लो, ये है ओम्स का रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन यहाँ पे ना रशिया में काफी जबरदस्त देखने को मिलेंगे, एकदम रंग बिरंगे खूबसूरत से वॉकजाल बोलते हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन को। अभी बाहर निकल गए रेलवे स्टेशन से, बाहर निकलते ये KFC है यहाँ पे, तो हमने सोचा देखो हमारे पास रूबल तो हो गई खत्म। कल आप लोगों को पता है हमारी ट्रेन छूट गई थी, हम लोगों ने दूसरी ट्रेन का टिकट बुक किया ना, उसमें सारे पैसे खर्च हो गए हमारे। हमारे पास मुश्किल से 200-250 रूबल बचे हैं और KFC में खाना खाने के लिए चाहिए हमें कम से कम 1000 रूबल। तो देखते हैं यहाँ पे कोई यदि एक्सचेंज सेंटर मिलता है तो वहाँ पे हम लोग मनी एक्सचेंज करवाएंगे और फिर KFC में खाना खाएंगे। वो देखो सामने KFC है और ये ट्रेन जा रहा है सामने से, क्या बात है। ओम्स सिटी अच्छी है यार, लेकिन बस यही है स्नोफॉल हो रहा है अभी यहाँ पे जबरदस्त वाला। हमारे पास डॉलर थे, हम लोग डॉलर एक्सचेंज करवाने आए हैं, बैंक बंद हो गया, 4:50 हुआ है लेकिन यहाँ पे 5 बजे लिखा है, 10 मिनट पहले ही बंद कर दिया भाई लोगों ने। तो देखते हैं कोई दूसरा बैंक मिलता है, तो यदि डॉलर एक्सचेंज नहीं हो पाते हैं तो हम खाना पीना नहीं खा पाएंगे, जो हमारे पास नूडल्स है ना उन्हीं को खा के काम चलाना पड़ेगा फिर से हमें। हम लोग बाहर गए, हमारे पास रूबल तो है नहीं, डॉलर पड़े हैं सारे के सारे, तो डॉलर आज यहाँ पे छुट्टी है, कोई सारे बैंक बंद थे तो कहीं डॉलर एक्सचेंज नहीं हो पाए। और लोगों से पूछा तो लोगों ने बोला हमारे पास, हम नहीं देंगे आप लोगों को डॉलर लेके, रूबल नहीं देंगे। तो KFC सब धरा रह गया, कुछ खाना पीना नहीं खाया, जो हमारे पास पड़ा था ना उसी से काम चलाना पड़ेगा। अभी शाम के 6 बजे हैं और रात को पेट्रो बावेल हम लोग 12 बजे पहुंचेंगे। यहाँ से जैसे ही ओम्स से ट्रेन स्टार्ट होता है एग्जैक्ट 1 घंटे के अंदर हम लोग जो इमिग्रेशन ऑफिस है ना वहाँ पे पहुंच जाएंगे बॉर्डर पे। या मेरे को 3 गाली आता है वो वही दिखाया था। कौन कौन सी आती है? मेरे को 3 गाली आती है, ग्लैड का मतलब जीत, तन्मय और ये भाई क्या नाम है विक्टर, दोनों के दोनों बैठ के वोदका लगा ली, दोनों की चढ़ गई है। मुझे नहीं पता मेरे को गाली सिखा रहा है, गाली पहले से 3 गाली है, गाली सिखा रहा है। ओके वन, ये वाली वोदका पिलाई है तन्मय ने उसको। रशिया ड्रैगन, इसको ज्यादा हो गया, तन में ज्यादा वोट का पिला दी मैं तूने इसको। क्या कपड़े को ले गए क्या? रशिया का इमिग्रेशन हो गया हमारा, रशिया से एग्जिट का स्टाम्प लग गया है, अब है कजाकिस्तान में एंट्री का स्टाम्प लगना। यहाँ पे दोबारा से ट्रेन रुक गया और यहाँ पे कजाकिस्तान इमिग्रेशन ऑफिसर आएंगे, ट्रेन में ही होता है यहाँ पे इमिग्रेशन। रशिया वाले भी ट्रेन में ही आए थे और कजाकिस्तान वाले भी ट्रेन में ही आएंगे। अभी हम लोग आ गए हैं कजाकिस्तान के पेट्रो पावल रेलवे स्टेशन पे, यहाँ से हमारा इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर हो गया है। अभी रात के बजे 12:30। ये देखो यहाँ से हम लोग पैसा विड्रॉ करें, कितना निकाला? 1 लाख 1 लाख टेंगे निकाले हम लोगों ने यहाँ पे,
1,00,000 टेंगे में 18,300 इंडियन रुपीज होते हैं। एक इंडियन रुपीज में 5.51 टेंगे होते हैं। ये 10,000 टेंगे का नोट है। 10,000 टेंगे में होते हैं 1,817 इंडियन रुपीज। आज भी तन्मय कोई पकड़ा इमिग्रेशन वालों ने, आज भी तन्मय के ही कपड़े उतरवाए। अभी बताऊंगा, वरना तुम पे जाता यार। है? सामने में था इसीलिए तुम बच गए। सारे वहीं थे हम लोग। आज का भी हमारा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस काफी गंदा रहा कजाकिस्तान का। तन्मय के कपड़े उतरवाए। इमिग्रेशन के बारे में बात बाद में करेंगे हम लोग। अभी तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं यार, टैक्सी लेते हैं, होटल लेते हैं। अस्ताना यहाँ से 600 किलोमीटर लगभग 600 किलोमीटर दूर है। तो टैक्सी वाला मांग रहा है यहाँ से अस्ताना का 12,000 इंडियन रुपीज़। अभी हम लोगों ने दो तीन टैक्सी वाले से बात किया है। और होटल सामने एक होटल भी दिख रहा है मेरे को। देखते हैं इस होटल में रुकते हैं। और यहाँ पे बस चारों तरफ स्नो स्नो स्नो। कजाकिस्तान के भी वही हालात है रशिया वाले। और ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। इमिग्रेशन का इतना गंदा एक्सपीरियंस तो मेरा कभी रहा नहीं जितना गंदा एक्सपीरियंस यहाँ पे कजाकिस्तान में देखने को मिला है। अभी जो पेट्रोबाल सिटियों से बाहर आ गए हैं, वहाँ पे टैक्सी मिल रही थी 12,000, 13,000, 15,000, काफी महंगी मिल रही थी। तो पेट्रोबाल सिटी से 15 किलोमीटर दूर आ गए मेन हाईवे पे। यहाँ पे देखो पेट्रोल पंप है और यहाँ पे है मेन हाईवे। यहाँ से हम लोग करेंगे हिचहाइकिंग, क्योंकि यार 15,000 टैक्सी का देना 500-600 किलोमीटर के लिए वो काफी ज्यादा था। तो हम लोग यहाँ से हिचहाइकिंग कर रहे हैं, मैं, उमा और तन्मय। देखते हैं हमें लिफ्ट मिलता है या नहीं मिलता यहाँ से। अभी रात के 12:30 बजे हैं। दो बज गए, अभी तक हमें कोई लिफ्ट मिला नहीं है। वैसे बाकी देखते हैं। उमा चला गया है। उमा ने ट्रेन चेक किया, केवल एक टिकट अवेलेबल था, तो उमा अस्ताना के लिए निकल गया है। और अभी भी हम लोग यहीं पे हैं पेट्रो पावल में। वही पेट्रोल पंप है और वही सड़क है, यहाँ से लिफ्ट ले रहे हैं। अभी भी नहीं, यहाँ पे सनराइज होगा 10 बजे के लगभग। अभी भी देखो बिल्कुल ऐसे दिख रहा होगा। गाड़ी आ रहा है, गाड़ी आ रहा है और घुमा रहे, साला फिर से घुमा रहा है। मुझे लगा गाड़ी आ गया। अभी शाम के 3 बज गए और हम लोग वापस से आ गए यहाँ के रेलवे स्टेशन पे। एक्चुअली हम लोग कल रात को गए क्योंकि आज यहाँ से नई बस थी, नई ट्रेन थी। कल रात को केवल एक ट्रेन थी और उस एक ट्रेन में केवल एक टिकट अवेलेबल था। तो उमा आ गया क्योंकि उमा की तबीयत खराब थी। हम लोगों ने उमा को बोला, भाई तू जा, तेरी तबीयत खराब है, ट्रेन ले, अस्ताना पहुंचे हम लोग आ जाएंगे। फिर हम लोग रात पे वहाँ रुके। फिर सुबह तक हम लोगों ने ट्राई किया कि कोई लिफ्ट मिल जाए, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं मिला। मैं 12 बजे वहाँ से वापस आ गए यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे लोग बोलते हैं भोगचाल। यहाँ पे ना ही तो आज कोई बस अस्ताना के लिए और ना ही कोई ट्रेन है आज अस्ताना के लिए। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, इन ड्राइव और यानडेक्स, तो इन ड्राइव पे चेक किया तो यहाँ से टैक्सी जा रही है वहाँ पे बहुत सारी अस्ताना के लिए। और एक बंदे का ले रही है 10,000 टेंगे। 10,000 टेंगे हो गए 1,800 इंडियन रुपीज। अब मैं और तन्मय जा रहे हैं यहाँ से अस्ताना। हमारी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ये देखो टैक्सी आ गई है। कहेंगे सामान रखते हैं और चलते हैं यार अस्ताना। क्या बताऊँ कितनी भाग दौड़ हो गई इस ट्रिप पे, इतनी थकान हो रही है। 5 दिन हो गए हमें लगातार चलते। 5 दिन से नहाए नहीं है। अब आप लोग देखो 5 दिन हो गए नहाए। क्या हुआ? बाहर है जो बहुत जबरदस्त तूफान आया हुआ है, गाड़ियां नहीं चल पा रही है। रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया जबरदस्त वाला। हमारी गाड़ी का भी आगे से टूट गया, बहुत जबरदस्त वाला एक्सीडेंट हुआ था। क्या ही बताऊं, आज का मतलब पता नहीं, 2-3 दिन ऐसे गुजर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अभी दिखाऊंगा, देखना। हमारी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ था। सामने इतना विजिबिलिटी इतना कम है ना, आप लोगों को 10 मिनट दूर भी कुछ नहीं दिखेगा। देखो बाहर चल के दिखाता हूँ आप लोगों को बाहर के क्या हालात है। ये देखो ऐसा इतना यहाँ पे वो आया, तूफान आया है, चारों तरफ स्नो स्नो दिखेगा। और ये देखो ऐसे हालात में कैसे गाड़ियां चलेंगी। ये हम लोग पेट्रोल पंप है यहाँ पे कोई। अभी निकलने लायक वेदर तो बिल्कुल भी नहीं हो रखा। ये देखो इतना स्नो स्टॉर्म आ रहा है।
और पास में एक जबरदस्त वाला एक्सीडेंट हुआ है, तो सारी की सारी गाड़ियों को डाइवर्ट करके और इधर भेज दिया। ये पेड़ का देखो कितनी तेज हवा चल रही है, इससे ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी तेज यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आ रहा है। ओ भाई अब तो और भी जबरदस्त आ गया। ऐसे हालात हो रखे हैं, बाहर गाड़ी चलाना तो बहुत दूर की बात है, इंसान पैदल भी नहीं चल सकता, इतनी तेज आंधी आ रही है, बहुत जबरदस्त वाला तूफान आ रहा है। देखते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि आज हम लोग फंस गए। हमारी गाड़ी भी टूट गई है, एक्सीडेंट हुआ था अभी पीछे, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इतनी तेज आंधी चल रही थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था, विजिबिलिटी मान के चलो कि 5 मीटर भी नहीं थी, ये मान के चलो कि हवा में तुक्के से गाड़ी चलानी पड़ रही थी, ये मान के चलो कि एक तरह से जान हथेली पे लेके ट्रेवल करने जैसा है ये, एकदम से ऐसे मान के चलो। आपको पता है कि आपका ड्राइवर है ना, वो तुक्के में गाड़ी चला रहा है, तो भाई उस टाइम कैसा फील होता होगा, तन में कैसा लगा वो उस टाइम? भाई मैं तो शेक हो गया था, मैं सो रहा था, अचानक से मेरा नींद टूटा क्योंकि गाड़ी शेक हुआ, जब मैंने आगे देखा कि कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, सीट के पीछे था, तो मैं ऐसे एकदम रेडी हो गया था कि आगे हम गाड़ी से पलटने वाले हैं, नहीं तो कुछ होने वाला है, तो एकदम प्रिपेयर था कि एक्सीडेंट होने वाला है, और पता नहीं थैंकफुली सर गाड़ी तो टूटा लेकिन हम सेफ है। तो भाई इतना जबरदस्त वाला था ना, मतलब इतना जबरदस्त वहाँ पे हवा चल रहा था, गाड़ी यूं हिल गया पूरा, और गाड़ी का जो आगे का बोनट होता है ना, बोनट टूट गया है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, इतना जबरदस्त तूफान आ रहा है, उस टाइम मेरी हिम्मत नहीं हुई कैमरा बाहर निकाल के रिकॉर्ड करने की, उस टाइम तो ऐसे लग रहा था बस जान बच गई वही काफी है। अभी तो यहाँ पे ये सुपर मार्केट इसमें आके बैठे हैं, थोड़ा पानी वानी पिया, ये पानी का बोतल लिया है, एक 80 रुपए का 1.5 लीटर का पानी का बोतल, कजाकिस्तान में पता नहीं पानी का बोतल, पानी बहुत ज्यादा महंगा, खाना पीना सभी महंगा है कजाकिस्तान में यार। वो ड्राइवर है ना, उसने दे दिए भाई जवाब दे दिया, वो बोल रही है मेरी हिम्मत नहीं है इस तूफान में गाड़ी चलाने की अब। उमा ने अच्छा किया, कल रात को उमा आप लोगों को बताया था, पहले उमा है ना एक ही सीट अवेलेबल थी जो उमा लेके चला गया है अस्ताना, तो अच्छा किया उसने, कितना पैसा देकर गया सोचो, मतलब पास दो सीट और होती, 5 गुना ज्यादा नॉर्मल टाइम से पैसा देकर, हाँ सीट ज्यादा महंगा था, नॉर्मली 3000 टेंगे का सीट पड़ता है, उसको पड़ा था 12000 टेंगे का, लगभग 2000 इंडियन रुपीज का। अब थोड़ा सा स्नो स्टॉर्म कम हुआ है बाहर, अब निकलते हैं और देखते हैं भाई हमारी ड्राइवर साहिबा कैसी ड्राइव कर पाती है, मुझे अभी भी लग नहीं रहा क्योंकि इतना ज्यादा कम भी नहीं हुआ है जो बाहर तूफान चल रहा है वो, तो मुझे अभी भी डाउट ही है। रास्ते में एक आध ऐसे इंसिडेंट हो गए कि हम लोग ना भाई मरते मरते बचे हैं, गाड़ी का बैलेंस पूरा बिगड़ गया, वो तो थोड़ा सा गाड़ी साइड में उतर जाती रोड से तो गाड़ी पलट जाती और हम लोग जाते यूं। ये हमारी गाड़ी ना वहां पे तूफान आया था उसमें टूट गई थी, काफी ज्यादा डैमेज हो गई ये वाली गाड़ी। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में, कितने दिन का सफर था ये, 5 दिन 5 रात, आज 5वीं रात है, बहुत लंबा सफर था यार, पहली बार इतना लंबा सफर मैंने तय किया है, 4 दिन और 4 रात तो हमारी ट्रेन में निकल गई, और आज का दिन है जो वहां पे निकल गया पेट्रोपावल में, और रात है जो निकल गई इस सफर में, बहुत लंबा सफर था। और अभी हम लोग हैं कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में, अभी यहाँ पे टाइम हुआ है रात के 1, और अभी हम लोगों को यहाँ पे हॉस्टल लेनी है, तो अभी इस वीडियो को ख़त्म करने का भी टाइम आ गया है भाई, रात और बीच में रास्ता तो इतना ख़राब था, पूछो मत, बहुत ज़बरदस्त ख़राब था, वो ये मान लो लेडी ड्राइवर थी ना, वो अंधेरे में ऐसे तुक्के से ही गाड़ी चला रही थी। तो ये था इस वीडियो के बारे में, आई होप कि गाइस ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।